वेलकम स्टूडेंट, SVM ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम नए लेसन की। SST के अंतर्गत हमने 6 लेसन पूरे कर लिए थे। आज लेसन संख्या 7 की शुरुआत करेंगे। पाठ 7 पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पाठ 7 की बात करेंगे हम। इस पाठ के अंदर देसी दंता को, पाठ का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना। देसी जनता को क्या बनाना? सभ्य बनाना। इसके लिए किस प्रकार से अंग्रेजों ने कदम उठाए उसकी बात करेंगे, और राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है, तो दो बिंदुओं की बात करेंगे हम, देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। ये आपका पाठ का नाम है, देसी जनता को सभ्य बनाना। देसी जनता यानी ग्रामीण इलाकों में रहने वाली लोगों को, रहने वाली जनता को, लोगों को सभ्य बनाना। सभ्य का मतलब ये होता है कि सुव्यवस्थित नियमों में चलने वाले और सही तरीक़ों से रहने वाला जीवन उनको इस प्रकार से व्यतीत करना हो जिसमें सही ढंग से रहते हो। इसके अलावा देसी जनता के अलावा जो राष्ट्र हैं उसमें रहने वाले लोग हैं उनको शिक्षित करना, इस प्रकार से सिस्टम शुरू हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो हम शुरुआत करते हैं इस नए पाठ की। हमने अंग्रेज़ों के शासन व्यवस्था को देखा, हमने अंग्रेज़ों द्वारा किसान, नवाब और आदिवासियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़े उनके जीवन के बारे में पढ़ा। हमने ये भी देखा कि अंग्रेज़ों ने भारत के अनेक भू क्षेत्र पर अपना विजय या अपनी नियंत्रण की स्थापना कर चुके थे, और धीरे धीरे वो अनेक स्थानों पर अपना जो दबाव है वो बढ़ाते जा रहे थे। और उनको लगा अंग्रेज़ों को कि अगर हमें भारतीय लोगों पर शासन करना है तो भारतीय लोगों को शिक्षित करना ज़रूरी है। लेकिन हमें ये तो समझना पड़ेगा कि आखिर हम भारत के लोग अंग्रेज़ी जो शिक्षा थी, अंग्रेज़ी शिक्षा को किस प्रकार से समझते थे, इसके बारे में क्या विचारधारा रखते थे, तो ये भी समझना ज़रूरी है। इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले अगर बात करें तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम भारत के लोगों को शिक्षित करेंगे और अपनी भाषा में, अंग्रेज़ी भाषा में उनको कुछ सिखाएंगे, और उनको सिखाने के लिए अनेक काम शुरू कर दिए थे। खैर, अंग्रेज़ों ने भी भारत की भाषा सीखी, और धीरे धीरे बात के अंदर नई नई परंपराएं शुरू हो जाती हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हम प्राचीवाद की परंपरा। ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है कि प्राचीवाद की परंपरा क्या है। आराम से समझना है आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि प्राचीवाद की परंपरा क्या है। देखो, प्राचीवाद का मतलब ये होता है कि प्राचीन समय में, विशेषकर 18वीं-19वीं शताब्दी में, जो पश्चिम यूरोप के देश हैं उनका विश्व के उन अन्य देशों पर नियंत्रण था, और भारत के अंदर पश्चिम देशों की जो संस्कृति है, जो शिक्षा है, वो भारत में आ जाना, ये ध्यान रखना है आपको कि एक ऐसी विचारधारा है जिसमें पश्चिम के देश या पश्चिम की जो शिक्षा है उसको केंद्र में मान करके बाकी देशों में, जहाँ उपनिवेश हैं, जहाँ पर अंग्रेजों का शासन व्यवस्था है, वहाँ पर अपनी शिक्षा थोपना, अपनी शिक्षा को बढ़ावा देना। खैर, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे तो आपको इसके शब्द के और इसके बारे में काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। इसको समझने के लिए पूरी बात समझेंगे कि 1783 में एक अंग्रेज व्यक्ति जिनका नाम था विलियम जोन्स, 1783 में विलियम जोन्स नाम का एक अंग्रेज व्यक्ति कलकत्ता में आया। कहाँ आया ये? कलकत्ता में आया। प्राचीवाद की परंपरा पूरे ढंग से समझने के लिए आपको शुरुआती दो तीन बातें समझना ज़रूरी हैं, और एक एक बात आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से प्राचीवाद की परंपरा हमारे भारत में आई। मैं आपसे सबसे पहले ये कह रहा हूँ कि 1783 ईस्वी में
1783 कौन सी शताब्दी है? तो ये 18वीं शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है? कैसे पता लगा? 1700 तो पूरे हो गए, 1783 हैं तो 1700 तो पूरे हो गए, मतलब 17वीं शताब्दी तो पूरी हो गई, 18वीं शताब्दी चल रही है, 18वीं शताब्दी के लिए तो सन चल रहा है ना। 1783 में 1700 तो पूरे हो गए, 1700 के ऊपर वाली संख्या तो है ना कि 1701 ऐसे, मतलब 1701 1783 मतलब 1700 पूरे होने के बाद में है, इसलिए 1783 तो आप 18वीं शताब्दी बोलेंगे। या 17 दिखाई दे रहा है इसलिए 18 बोलना है। मैं 1947 बोलूँ तो आप बोलेंगे ये 20 कौन सी शताब्दी है? 20वीं शताब्दी है, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में 1783 में एक व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम था विलियम जॉन्स, जो कलकत्ता में आया, कहाँ आया ठीक है। और ये जो कलकत्ता में आया है तो इसको जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है, अपने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कलकत्ता में। तो सुप्रीम कोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो स्थापित सुप्रीम कोर्ट है उसमें जूनियर जज के रूप में इस व्यक्ति को तैनात कर लिया था, विलियम जॉन्स को। बात समझ में आ रही होगी? मैं आपसे ये कह रहा हूँ 1783 में अंग्रेज व्यक्ति भारत में आया विलियम जॉन्स, और इसको कलकत्ता के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है उसमें उसको जूनियर जज का मतलब ये होता है कि इससे पहले और जज थे वो उनके नीचे था, सीनियर जज और जूनियर जज। सीनियर नहीं, सबसे ऊपर वाला जो पहला आया हुआ है, और जूनियर जज यानी जो बाद में आता है, ठीक है। तो जूनियर जज के रूप में उसको नियुक्ति दे दी। और ये जो व्यक्ति हैं जॉन्स, विलियम जॉन्स, कानून से संबंधित उसको जानकारी काफ़ी थी। तो ये जो विलियम जॉन्स हैं, अगर हम इसकी खासियत की देखें तो ये एक कानून के बारे में तो जानकारी रखते ही था, तभी तो इसको जूनियर जज बनाया। तो ये जो व्यक्ति हैं जॉन्स, जो कलकत्ता में आया 1783 में, ये कानून के बारे में जानता था। कानून का मतलब समझिए ना, रूल्स वगैरह की किस प्रकार कानून व्यवस्था चलानी चाहिए। इसके अलावा इसमें एक खूबी थी, वो ये थी कि वो भाषाविद भी था। क्या था? ये एक भाषाविद। भाषाविद का मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो कई तरह के भाषाओं का जानकार हो या विद्यार्थी हो, उससे जुड़ी हुई बातें समझता हो, वो भाषाविद है। मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति जो अनेक भाषाओं को जानता हो या जानने की कोशिश कर रहा है या अनेक भाषाओं को पढ़ रहा है, वो भाषाविद है, जिनको अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान है। तो मैंने आपसे कहा कि जॉन्स जो 1783 में भारत आया, उसको जूनियर जज बनाया कलकत्ता में, तो ये एक कानून के बारे में जानकारी रखता था, इसके अलावा भाषाविद था, मतलब अनेक भाषाओं के बारे में इसको नॉलेज था। क्यों था? क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी जो पढ़ाई है वो ऑक्सफोर्ड के अंदर, कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड में, ग्रीक और लैटिन भाषा में की थी। ग्रीक और लैटिन जो भाषाएं हैं उसमें उसने अपनी पढ़ाई की ऑक्सफोर्ड में, इसलिए एक ज्ञात था। ये फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजी और फ्रेंच जानते थे कौन? ये जॉन्स साहब। तो जॉन्स अंग्रेजी फ्रेंच के बारे में जानते थे, ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन में इन्होंने पढ़ाई की, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इनका एक दोस्त था, किनका? जॉन्स का। अब दोस्त हैं अरबी, दोस्त कैसा था? अरबी। तो अरबी होने की वजह से उसने अपने दोस्त से अरबी भाषा सीखी, और अरबी के अलावा उसने फारसी भाषा सीख ली। क्या सीख ली? फारसी भाषा भी सीख ली थी। मतलब ये वहाँ कि ये व्यक्ति ग्रीक लैटिन में पढ़ाई की, फ्रेंच अंग्रेजी इसको आती थी, और अरबी और फारसी में अपने दोस्त की वजह से इसने ये भाषाएँ सीख ली। तो कानून के बारे में पता, इतनी भाषाओं के बारे में उसको पता, तो एक महान विद्वान की तरह हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इस बात को समझेंगे कि एशिया की जो भाषा व संस्कृति का जो ज्ञान अध्ययन करने वाले हैं, जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हैं, वो किस प्रकार प्राचीनवाद को आगे बढ़ाते हैं, ये ध्यान रखना।
लेकिन जब ये आदमी भारत में आया, कहाँ आया, भारत में, तो भारत में आया तो भारत की संस्कृति को देखा और उसने भारत की संस्कृति के बारे में सुना, तो ये भारत में आने के बाद में भारत के अंदर जो संस्कृत के विद्वान हैं उनके पास में रोज़ घंटों बैठ करके संस्कृत को आराम से सीखना, उसकी व्याकरण, उसकी काव्य भाग, उसकी बारीकी को समझना भी शुरू कर देता है और एक अच्छा ज्ञाता बन जाता है संस्कृत भाषा का। मतलब इस आदमी में जोंस में सीखने की बड़ी खूबी है, क्योंकि ये पता है कि आपको सीखने की वजह से महान है। तो कुछ ही समय में उन्होंने कानून से संबंधित, दर्शन के संबंधित, धर्म और राजनीति और नैतिकता, अंकगणित से संबंधित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञान की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया था जोंस ने। विलियम जोंस ने भारत के अंदर जितने भी अलग प्रकार की धर्म से जुड़ी, राजनीति से जुड़ी हुई, दर्शन शास्त्र हो, नैतिकता हो, मॉरलिटी या कानून से जुड़ी हुई हो, विज्ञान से जुड़ी हुई हो, सारी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जोंस को ये पता लगा कि मेरे अलावा कलकत्ता में कुछ और अंग्रेज अधिकारी ऐसे हैं जो मेरी तरह यहाँ की भाषा को सीखने में दिलचस्पी मेरी तरह या उसमें रुचि रखते हैं, जिसमें दो बातें आती हैं, दो अंग्रेज व्यक्तियों का नाम आता है। एक नाम आपको याद करना है, हेनरी थॉमस कोलब्रुक। एक तो ये भी हैं जो कलकत्ता में रहता हुआ भारत की अंग्रेजी, भारत के अंदर भाषा सीखने का काम कर रहा था, जो उसको पता लगा। इसके अलावा एक और था जिनका नाम जरूर ये आप याद कर सकते हैं, नेथेनियल हॉलहेड। ठीक है, तो इन्होंने भारतीय भाषा सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद शुरू कर दिया था किस इन व्यक्तियों ने। जॉन तो भाषा सीख रहे थे विद्वानों के पास में बैठ बैठ करके आराम से, और हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल और हॉलहेड ने भारत की फारसी और भारत के अंदर जो संस्कृत भाषा है उसको सीख लिया था। और इसके अलावा ये क्या कर रहे थे, इन किताबों को, यहाँ की नॉलेज को अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो इन लोगों के साथ में मिल करके जोंस ने कुछ खास काम किया और इसने एक काम किया, और बंगाल के अंदर इन्होंने, जोंस ने एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कर दिया। जोंस ने एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कर दिया। इसके अलावा एशियाटिक रिसर्च, एक ऐसी शोध पत्रिका भी निकालना, उसकी प्रकाशन करना भी शुरू कर दिया था। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि बंगाल के अंदर जोंस ने, विलियम जोंस ने जो 1783 में भारत आया था, उसको जूनियर जज बनाया सुप्रीम कोर्ट में, और वो कानून से संबंधित भाषाविद भी था, और उसने अपनी पढ़ाई ग्रीक लैटिन भाषा में की थी, फ्रेंच अंग्रेजी के बारे में जानता था और अरबी फारसी उसको आती थी अपने मित्र से। हेनरी थॉमस के अलावा नेथेनियल भी भारतीय संस्कृति से संबंधित और भारतीय संस्कृति के बारे में जानते थे, और इसलिए उन्होंने भारतीय ग्रंथों को अपने अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम कर रहे थे। तो इनके साथ में मिलकर जोंस ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इस सभा एक संगठन का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका निकाली, शोध पत्रिका का मतलब ये होता है कि जो भी शोध किए हैं, जो भी रिसर्च किए हैं, उनके बारे में लिखना उनसे और लोगों को पता लगाना, इस प्रकार की पत्रिकाएँ उन्होंने छपवाना या प्रकाशन का काम शुरू कर दिया था, ये ध्यान रखना है आपको। तो जोंस और कोलब्रुक, हेनरी थॉमस, इनका कोई खास रवैया था और वे भारत और पश्चिमी
दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी और बाद में उनका पतन होता गया। उनकी राय थी कि भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए पवित्र और कानूनी ग्रंथों को ढूंढना जरूरी है, उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो ये धीरे धीरे इनमें रुचि बढ़ी और धीरे धीरे भारतीय संस्कृति के बारे में जानना शुरू कर देते हैं और भारतीय संस्कृति पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और भारत के भावी विकास का यही आधार बना कि इन्होंने भारतीय संस्कृति को खोजना शुरू कर दिया और भारतीय संस्कृति को पढ़ने की इच्छा रखते हैं। इस तरह जॉन्स और कॉलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने और अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुँचाने में लगे थे, इन पत्रिकाओं, इन गठन के माध्यम से, इन संगठन के माध्यम से। उन्हें विश्वास था कि ये प्रयोजन न केवल अंग्रेज़ों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी बल्कि भारत को भी, अपने भारतीय लोगों को भी अपनी विरासत दोबारा मिलेगी, उनके बारे में पता लगेगा कि भारत के अंदर किस प्रकार की अपनी विरासत थी, ये भी इनको समझने में बिल्कुल पता लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रक्रिया में अंग्रेज़ भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की तरह भूमिकाएँ निभा रहे थे, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति के बारे में खोजबीन कर रहे थे, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को ढूंढ रहे थे, नई नई व्याख्याएं कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे और अधिक से अधिक लोगों को इस भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान देने का काम कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी किस प्रकार से ये प्रयास कर रहे थे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इन अंग्रेज व्यक्तियों का जॉन्स विलियम जॉन्स और कॉलब्रुक मतलब ये हुआ जेनरी थॉमस, दोनों का बड़ा सहयोग रहा है भारतीय संस्कृति को समझने और समझाने में। अब देखो क्या हुआ कि इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर जो कंपनी है उनके बहुत सारे अधिकारी भी धीरे धीरे इस ज्ञान को अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान में ज़्यादा रहा रुचि बढ़ने लगी और वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत और फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाए, ऐसा उन अंग्रेज अधिकारियों का मानना था जो कंपनी में थे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि उनको धीरे धीरे भारतीय संस्कृति के बारे में पता लग रहा था और संस्कृत और फारसी भाषा में काम करने के अलावा उनकी रुचि भी बढ़ रही थी और भारतीय ग्रंथों के अध्ययन से उनको ये प्रोत्साहन मिल रहा था कि वो अधिक से अधिक भारतीय संस्कृति और फारसी भाषा के ग्रंथों को पढ़ रहे और इसके लिए वो अनेक संस्थाओं की स्थापना की जाए, ऐसी उनकी राय थी। ये जो अधिकारी थे जो इस प्रकार की बात कहते थे, मानते थे, उनका एक बात ये भी था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जो पहले से परिचित हैं, वो जानते हैं, ठीक है, जो खुद जानते हैं और जो पहले से जानते हैं वो उनको पढ़ाना चाहिए, जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं, ये ध्यान रखना है। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, ऐसा अंग्रेज अधिकारियों का मानना था हिंदू और मुस्लिम को या मुसलमानों को, इस प्रकार से अंग्रेज अधिकारी मानते थे, ये ध्यान रखना आपको। तो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से अंग्रेज अधिकारियों ने राय दी कि भी भारत के हिंदू और मुसलमानों को उनकी शिक्षा पहले से जानते हैं उनसे भी ही पढ़ाना चाहिए, ताकि वो उनको अन्य भाषा नहीं सिखानी चाहिए, ऐसी भाषा नहीं सिखानी चाहिए जो उनको नहीं आती हो, अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना चाहिए उनको, वही सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए जो जानते हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, ऐसा उनका मानना था कि ताकि वो लोग हमें बाहरी लोग नहीं समझें, हमें आराम से यहाँ पर राज करने दें, हमारा आदर करें, यहाँ की प्रजा हमारा से शासन व्यवस्था चला सकें, ऐसा उनका मानना था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी
और इस्लामी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में, कहाँ पर, कलकत्ता में एक मदरसा खोला। क्या खोला? एक मदरसा खोला। बात समझ में आ रही है आपको कि भाई जो मदरसा खोला उसकी वजह क्या रही? 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून से जुड़ी हुई चीज़ें को अध्ययन कराने के लिए कलकत्ता में जो मदरसा खोला उसकी वजह क्या रही है, वो आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्योंकि उनको लगता था कि भारतीय लोगों को उन्हीं वो शिक्षा सिखानी चाहिए जो जानते हैं, उनसे से जुड़ी हुई उनको बातें आनी चाहिए, इस प्रकार का उनका मानना था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है किस प्रकार से उनका मानना था और किस प्रकार से शिक्षा वो चाहते थे, वो बात करनी है। उसी के बाद में 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? हिंदू कॉलेज की। मतलब ये हुआ कि 1781 में मदरसा खोलना किसके लिए? अरबी, फारसी और इस्लामिक से जुड़ी हुई बातें सिखाने के लिए और हिंदू ग्रंथों, संस्कृति ग्रंथों की शिक्षा देने के लिए इन्होंने हिंदू कॉलेज खोला, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन कंपनी के सभी अफसर इस बात से राजी नहीं थे और इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक थे, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने शुरुआत की थी प्राच्यवाद की परंपरा से। प्राच्यवाद का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऐसी विचारधारा जो ये समझते हैं कि किस प्रकार लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए, जो अभी हमने बात की ना, ये लोग जो सारे हैं वो इसी विचारधारा के लोग हैं, जिसमें जॉन्स की बात की है हमने, हेनरी टॉमस की बात की है, नेथेनियम की बात की है। तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक जगह पर उसी वहीं से जुड़ी हुई शिक्षा है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये प्राच्यवादी। ठीक है, तो प्राच्यवादी इन प्राचीन समय की जो शिक्षा है उसका अध्ययन करने वाले लोग थे। तो प्राच्यवादी ऐसे लोग जो एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान अध्ययन करते हैं वो प्राच्यवादी कहलाते हैं। प्राच्यवाद की परंपरा यानी अपने ही देश, अपने ही स्थान पर जो पढ़ाई है, शिक्षा है, उसको पढ़ना, उसके बारे में जानना, वो प्राच्यवाद की परंपरा है। तो इस प्रकार की विचारधारा आती हैं, किस प्रकार उसमें अंग्रेज अधिकारियों का नाम आता है उसकी हमने बात की है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जिसकी मैंने अभी बात की है। ठीक है, तो हमने बात की है कि किस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से हमें ये दो बातें समझने मिली कि मदरसा खोला है और बनारस में हिंदू कॉलेज खोला है। चलो आपको हेनरी टॉमस के बारे में बताते हैं कि जो एक महान व्यक्ति था, कि जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है इसमें ये हैं जॉन्स जो फारसी भाषा सीख रहे हैं अपने मित्र से। ठीक है, तो किस प्रकार जॉन्स एक भाषाविद व्यक्ति था जिसने खूब सारी भाषाएं सीखी थी और एक कानून से संबंधित जानकार भी था और ये भारत में आया 1783 में और आने के बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज बनाया गया, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये हैं आपके हेनरी टॉमस कॉल बुक। तो हेनरी टॉमस, इसके अलावा जॉन्स, इन्होंने मिल करके आपको पता है कि हमने बात की है कि भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और पत्रिका निकाली, एक शोध पत्रिका एशियाटिक रिसर्च, वो इन्होंने मिल करके निकाली थी, ये ध्यान रखना है आपको। और भी मैं बात की मदरसा, तो मदरसा एक ऐसा स्थान था जहाँ पर अरबी भाषा में, मतलब ये हुआ कि किसी संस्था को या कॉलेज को या स्कूल को दरअसल अरबी भाषा में मदरसा कहते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मदरसा की स्थापना कब की थी? 1781 में। और मदरसा का मतलब ये हुआ कि अरबी भाषा में दरअसल मदरसा स्कूल या कॉलेज या किसी संस्था को कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी के साथ में आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को 2-3 बार सुनना है, देखना है, ताकि आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही।